अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में जो तबाही मचाई थी उसका असर अब खत्म होता दिख रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के चलते ही मूडीज ने तब ग्रुप की कई कंपनियों की रेटिंग को डाउनग्रेड कर नेगेटिव कर दिया था, लेकिन अब अडानी समूह के लिए उसी मूडीज से राहत की खबर सामने आ रही है। दरअसल मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने अडानी ग्रुप की चार कंपनियों को अपग्रेड करने का फैसला किया है। इस फैसले के तहत मूडीज ने अडानी ग्रुप की चार कंपनियों के आउटलुक को अपग्रेड कर नेगेटिव से स्टेबल कर दिया है। जानकारी के अनुसार रेटिंग एजेंसी मूडीज ने अडानी ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप, अडानी ट्रांसमिशन स्टेप वन और अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई की रेटिंग को नेगेटिव से अपग्रेड कर स्टेबल कर दिया है। दरअसल बीते वर्ष फरवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के सामने आने के बाद मूडीज ने इन चारों कंपनियों के आउटलुक की समीक्षा करते हुए स्टेबल से घटाकर नेगेटिव कर दिया था। मूडीज ने तब कैपिटल के एक्सेस और कैपिटल लॉस को लेकर चिंता जाहिर की थी। इनके अलावा भी कुछ नाम और शामिल हैं जहां मूडीज ने कुछ फेरबदल किए हैं। जैसे मूडीज ने अडानी पोर्ट्स, अडानी इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, अडानी ग्रीन एनर्जी रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप और अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड ग्रुप वन के आउटलुक को भी स्टेबल रेटिंग दी है। इनमें से लिस्टेड कंपनियों के शेयरों पर अगर आप नजर डालेंगे, उनकी चाल पर नजर डालेंगे तो देखने को मिलेगा कि 13 फरवरी का अडानी ग्रीन एनर्जी का बंद भाव 1.23% गिरकर 1820 रुपए रहा, जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी का ओपन 1853 रुपए के स्तर पर हुआ था। वहीं 13 फरवरी का अडानी पोर्ट का बंद भाव 1.73% बढ़कर 1270.95 रुपए का रहा, जबकि अडानी पोर्ट का 13 फरवरी का ओपन 1249.95 रुपए रहा था। अब इस खबर के आने से अडानी ग्रुप की कंपनियों के लिए एक पॉजिटिव संकेत दिखाई दे रहा है, जिसका असर अब बाजार में भी देखने को मिल सकता है। मूडीज का अडानी ग्रुप की कंपनियों का आउटलुक स्टेबल करना कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है, और ये खबर ऐसे समय पर आई है जब अडानी हिंडनबर्ग मामला कोर्ट में भी चल रहा है। बीते जनवरी महीने में ही इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जांच को हरी झंडी देते हुए अडानी ग्रुप को राहत दी थी। हालांकि हाल में कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन के लिए एक बार फिर याचिका दायर की गई है। इसका नतीजा क्या निकलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल उम्मीद की किरण पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। आपको बता दें, सारा बवाल 24 जनवरी 2023 को हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट जारी कर फैलाया था, जिसमें अडानी ग्रुप पर शेयरों के भाव में हेरा फेरी कर शेयरों को ऊपर भगाने का आरोप लगा था। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद शेयर बाजार में लिस्टेड सभी अडानी समूह के 10 स्टॉक्स में गिरावट की शुरुआत हो गई थी। इस रिपोर्ट के चलते ही अडानी समूह के स्टॉक्स में 85% तक की गिरावट देखने को मिली थी। समूह के मार्केट कैप में 12 लाख करोड़ रुपए की कमी आ गई थी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को अब एक साल से ज्यादा वक्त का बीत चुका है। अडानी समूह की कंपनियों के कई स्टॉक्स उस गिरावट के दौर से बाहर भी निकल चुके हैं। हालांकि अभी भी कई स्टॉक्स उस सदमे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि बाजार में इस नई खबर का कैसा इम्पैक्ट पड़ता है। क्या ये पॉजिटिव खबर बाजार के लिए भी पॉजिटिव संकेत लेकर आएगी।